दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार शाम को हुए अग्निकांड में 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सारा इसका केमिकल था, वो बता रहे हैं नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई। आसपास की दुकानें, आसपास के घर, कईयों में आग लग गई। मोबाइल पीछे होना है। 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हरेक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हरेक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी उनको 20-20 हज़ार रुपये और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं उनकी सरकार की पॉलिसी है, उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने भी DM को बोल दिया और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। 2 मुद्दे और निकल के आ रहे हैं। एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। आज लेट आई और जो भी बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी सर जांच हो गया, कार्रवाई भी होगी। कब होगी इनके मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कार्रवाई होनी चाहिए। अरे घोड़ा होता है, अरे घोड़ा।